मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना के तहत विवाह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 415 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष भी शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्यक्रम में कहा कि शिवराज सरकार की योजना के माध्यम से अनेकों गरीब बहन बेटियों के विवाह हुए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना कार्यक्रम सीहोर में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह इंजीनियर शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से अनेकों अनेक गरीब वर्ग की बहन बेटियों के विवाह किए। प्रदेश की जनहितैषी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिले और आगे भी ये लाभ मिलता रहे, इसके लिए सब प्रयासरत हैं। देश प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं जो पात्र हितग्राहियों को लाभ दे रही हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोपाल सिंह इंजीनियर के साथ क्षेत्रीय विधायक करण सिंह वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।